सुष्मिता एंड वेलकम टू खान पान। खान पान में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ एक स्टफिंग ग्रेवी। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन उतना भी नहीं, तो चलिए हम इसे बनाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 4 अंडे, चिकन मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन पाउडर, और यहाँ पे मैंने अनियन, गार्लिक और जिंजर को एक साथ पेस्ट कर लिया है, और चिकन कीमा, और हमें चाहिए सॉल्ट, ऑयल, और इसके साथ हम टूथपिक का भी यूज़ करेंगे। हमें अंडा बॉईल करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट दे रही हूँ। अगर आप 4 eggs ले रहे हैं तो आप 3 अंडे को ही बॉईल में डालें, क्योंकि हमें एक बाद में यूज़ करना है। तो ये जब तक बॉईल हो जाए तब तक मैं इसका स्टफिंग रेडी कर लेती हूँ। मैंने भी ऑलमोस्ट 3 teaspoon ऑयल यूज़ किया है। ऑयल गरम हो गया है, अब मैं इसमें पेस्ट दे रही हूँ। थोड़ा सा ही दूंगी क्योंकि अंडे के अंदर स्टफिंग करना है तो उतना ज़्यादा चाहिए नहीं हमें। मैंने एक साइड पे ये दिया है और दूसरी साइड पे मैं चिकन कीमा को दे रही हूँ। मैं दे रही हूँ सॉल्ट, 1 teaspoon चिली पाउडर, 1 teaspoon चिकन मसाला पाउडर, 1 teaspoon क्यूमिन पाउडर और 1 teaspoon टर्मरिक पाउडर। मेरा स्टफिंग एकदम रेडी है और यहाँ पे अंडा भी अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। स्टफिंग को अभी मैं एक कटोरी में ले लूँगी। हमें एक को बीच में से काटना है। अभी एक का येलो पार्ट जो है वो डाल के स्टफिंग में मिक्स करना है। आप जब भी इसको निकाले होंगे तो बहुत ही केयरफुली रहिए क्योंकि अंडा बहुत ही सॉफ्ट है, नहीं तो ये पूरा ही टूट जाएगा। आप देख सकते हैं मैं भी बहुत ही केयरफुली, ओ माय गॉड, निकल गया। ये बहुत ही केयरफुली करना होता है इसको। अगर पूरा नहीं निकले तो ऐसे ही छोड़ दीजिए जितना भी निकले। इसे हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम जो स्टफिंग को भरेंगे उसमें अच्छा हो, नहीं तो अगर ये रह जाएगा तो स्टफिंग आप अच्छे से नहीं भर पाएंगे। मैं यहाँ पे टूथपिक का इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये जब ग्रेवी बनाऊँ तभी वो ये निकल ना जाए। मैंने आपको बोला था ये मुश्किल है थोड़ा सा, यहाँ पे ही इसका मुश्किल है क्योंकि इसका स्टफिंग जो है यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है निकल जाने का। आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी ये टूट गया है। अभी हमें इसको मिक्स करना है एक साथ सब। आप इसको हाथ से ही अच्छे से मिक्स कीजिए। वैसे भी ये हो गया है अंडे के अंदर, अभी मैं डाल दूंगी अच्छे से बहुत ही केयरफुली ताकि अंडा टूट ना जाए। ये देखिए, ये देखने में बहुत ही क्यूट लग रहा है, हो गया है। अब अगर इसको ऐसे ले और ऐसे बीच में से टूथपिक को डाल दीजिए, ये देखिए, ताकि ये ना निकले। आप चाहे तो 2 भी दे सकते हैं। अब मैं एक कच्चा अंडा ले रही हूँ, इसे तोड़ूंगी।
अभी हमें उस एक को फ्राई करना है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल यूज़ कर रही हूँ। अभी हमें एग्स को ऐसे टप करना है इस एग्स के अंदर, उसके बाद पैन में डालना है। बहुत ही केयरफुली। अभी जो बचा हुआ है अंडा उसको मैं ऊपर से दे दूंगी। ये अभी हो गया है। अभी मैं सेम ऑयल यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे जो पेस्ट था अनियन गार्लिक एंड जिंजर का, उसको ही मैंने यहाँ पे दिया है। अभी हम इस पे देंगे टर्मरिक पाउडर, चिकन मसाला, रेड चिली पाउडर और क्यूमिन पाउडर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मैं थोड़ा सा पानी इसलिए दे रही हूँ ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। ग्रेवी के लिए हमें बाद में यूज़ करना है पानी। अभी मैं दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी मैं ग्रेवी के लिए पानी दे दूँ। अभी मैं इसमें अंडे दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, क्यों है ना ये मज़ेदार? थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा मुश्किल। मैंने कहा था ना, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन उतना भी नहीं। अभी ये ऑलमोस्ट हो गया है और थोड़ा सा हो जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी ये रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा एक स्टफिंग ग्रेवी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।